आज की वीडियो का टॉपिक मुझे बहुत पहले से डिस्कस करना था, बट थैंक्स टू रूही राय, एक तो मेरे को आज तक उस बंदी का नाम बोलते नहीं बना, वो रूही है, रूही है, वॉट एवर द फक शी इज, बट या आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग, इंडियन व्लॉगिंग, एंड आई एम डैम श्योर तुमने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो टॉपिक पर ऑलरेडी देख ली होगी, तो या यू ऑलरेडी आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक. ओके, आई वॉन्ट टू एड माई ओपिनियन इन दिस टू. सो या मैं बहुत टाइम से देख रहा था, यू नो, इंडियन व्लॉगिंग जिस डायरेक्शन में जा रही है, लाइक इंडियन व्लॉगिंग इज गोइंग टू फार, टू फकिंग फार. अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा बेकार कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो है इंडियन व्लॉगिंग. एंड यू नो व्हाट, मेरे को पर्टिकुलरली इंडियन व्लॉगिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं और ये इतना ज्यादा पोजेस्ड हो जाते हैं व्लॉगिंग से, ब्रो इट्स डेंजरस, इट्स फकिंग डेंजरस, उनके लिए भी और उनके आसपास के लोगों के लिए भी. लाइक मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था कि जो इंडियन ब्लॉगर्स है, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, बट मेरे को बहुत टाइम से डिस्कस करना था कि मैं ऐसे वीडियोज देख रहा हूँ कि ये जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, इनके घर पर कोई फैमिली मेंबर बीमार हो रहा है, बेबी रो रही है, बच्चा रो रहा है, तुम्हारे घर पर कोई पालतू जानवर है वो कुछ प्रॉब्लम में आ रहा है, सबसे पहले जो ये ब्लॉगर्स करते हैं वो ये करते हैं कि शूट करेंगे, कैमरा ऐसे घुसेड़ देंगे मुंह में, कोई बच्चा रो रहा है, बच्चे की तबीयत खराब है, ऐसे कैमरा घुसेड़ देंगे, क्या हुआ मेरे बच्चे को, अरे बच्चे के मुंह से कैमरा हटा दे भाई, साफ लेन दे इसको, बच्चा परेशान है तुम्हारी इंडियन ब्लॉगिंग से इसलिए रो रहा है. स्टिल आई एम सेइंग अगेन कि आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन ऐसे पर्सनली, लेकिन यू नीड टू स्टॉप, दिस इज गोइंग टू फार. सेम गोज विद प्रैंक, प्रैंक के नाम पे अपनी गर्लफ्रेंड के इमोशंस के साथ खेलना, प्रैंक के नाम पे अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ खेलना, अपनी फैमिली की जो इनसिक्योरिटीज है उनको ट्रिगर करना, क्या हो रहा है कॉन्टेंट में इंडिया को. तुम्हें पता है एक दिन ऐसा आएगा जब लोग अपने फैमिली मेंबर्स के मरने के बाद भी उन्हें मिल्क करेंगे, या फिर कह सकते हैं वो दिन आ गया है ना रूही राय. हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है. सो या वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक की रूही राय मेड अ वीडियो, और यू कैन से मेड अ शॉर्ट मिनी व्लॉग, व्हाट आई ईट इन अ डे इन माय फादर्स श्राद्ध, एंड या वो शॉर्ट के अपलोड होते ही इंटरनेट में उसको बहुत सारा ट्रॉल मिला रूही को, जो कि ऑब्वियस था. उससे कुछ सीखने के बदले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स एंड ग्रोइंग ऑन, उसके बदले रूही राय ने डिसाइड किया कि हम अपने आप को करेंगे डिफेंड विद सम इररिलेवेंट पॉइंट्स, और सारे रोस्टर्स का करियर खत्म कर दिया यार. यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से ना ये अब एक रिचुअल सा बन गया कि हर छह महीने में एक बंदी या एक बंदा उठ के आ जाता है एंड वो रोस्टर्स को कुछ इररिलेवेंट पॉइंट्स एनकाउंटर करने की ट्राई करता है, एंड आई जस्ट डोंट नो, फिर खुद का मजाक बनाते हैं एंड क्यों करते हो. सो बेसिकली रूही डिड अ सेम थिंग एंड शी मेड अ वीडियो, दिस पीपल नीड टू स्टॉप, 4 days ago. एंड या उसमें 7.8 lakh व्यूज है, लाइक अभी तक उसने जितनी वीडियोज अपलोड करी अपेरेंटली सबसे ज्यादा व्यूज इसी में आए हैं. तो मैं पता है मैंने एक चीज सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि रूही राय ना एक मास्टर माइंड हो, तो रूही राय ने जानबूझ के एक ऐसा व्लॉग शूट किया हो कि व्हाट आई ईट इन अ डे ऑन माय फादर्स श्राद्ध, एंड उसको पता था इसके बाद इंटरनेट पे उसको ट्रॉल मिलेगा, रोस्टर्स रोस्ट करेंगे, और फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो सारे रोस्टर्स को रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बनाएंगी और बूम उसके चैनल में व्यूज ही व्यूज, जैसा कि अभी हो रहा है. बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर इतनी अकल उसमें होती इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं है वो, मेरे को ट्रस्ट है रूही पे. बट यार रूही ने कुछ पॉइंट्स बोले थे जिनको बस मैं एनकाउंटर करना चाहता हूँ, एंड या लेट्स गेट इनटू इट. एनीथिंग आई डू आई गेट हेट. मैं खाना खाती हूँ तो मुझे हेट मिल रहा है. सॉरी. बंदी ने सीरियसली बोला मैं खाना खाती हूँ इसलिए मुझे हेट मिलता है. दीदी आप खाना खाते हो इसलिए आपको कोई हेट नहीं करता, जितना खाना है खा. रूही को सीरियसली लगता है कि वो खाना खाती है इसलिए लोग उसको हेट करते हैं. डम बिच, लिसन टू मी, तेरे खाना खाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तू उसको इंटरनेट में पोटेंट कर रही है लोगों को उससे प्रॉब्लम है. टॉक सम सेंस गर्ल. आई गेट हेट. मैं खाना खाती हूँ तो मुझे हेट मिल रहा है. मैं कुछ भी करती हूँ, मैं अपने पापा के श्राद्ध का रिचुअल शेयर कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग हेट. सॉरी टू से बट यू आर ब्रिंगिंग दिस टू योर सेल्फ. तुम्हारे घर अगर किसी की डेथ होती है तो क्या रिचुअल है तुम्हारी फैमिली में कि तुम खाना खा के उसको रेट करते हो कि अरे ये खाना 10 में से 8 था. और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओटमील बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था. बाय द वे इट्स वेरी यमी, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई रेट दिस 8 out of 10. पराठे और आलू की सब्जी, ऑब्वियसली इट वाज 10 on 10 फॉर मी. मुझे पिंक लेमनेट पीना पड़ा जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था. आई रेट इट 2 out of 10. श्राद्ध की पूरी 10 में से 10 थी, बस छोलों में थोड़ा सा मसाला और हो जाता. यू नो व्हाट, मैं तो इतना सा बोलने में भी आई एम फीलिंग वियर्ड कि
आई जस्ट डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग मोर. ओके, रेस्ट इन पीस टू योर डैड एंड आई होप ही इज इन अ बेटर प्लेस राइट नाउ. तेरा चैनल है ठीक है, जितना यूट्यूब हमारा है सबका है उतना तेरा भी है. तेरा चैनल है, तेरे को जो डालना है डाल, पापा का श्राद्ध डाल, जो डालना है डाल ठीक है. बट द थिंग इज कि जिस तरीके से तू उसको पुटेन कर रही है, तू जिस तरीके से दोनों तरफ की ऑडियंस जमा करना चाह रही है कि थोड़ा सा इमोशनल यू नो थोड़ा सा सिंपैथी भी मिल जाए, लेकिन साथ ही में थोड़ा सा वो जो एक ट्रेंड रहता है कि व्हाट आई ईट इन अ डे वो भी मिल जाए. एंड ये सबसे बेस्ट लक्ष्य चौधरी ने एक्सप्लेन किया, लाइक हैव अ लुक. सो अगर मैं इस चीज पे अपना ओपिनियन दूं तो देखो, रूही भी और वो लोग भी जो ऑडियंस है और वो लोग भी जिसने रोही के ऊपर वीडियो बनाई इंक्लूडिंग मी, इंटरनेट पे मैं सेम चीज डाल के गालियां खा सकता हूँ और सेम चीज डाल के लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ. मैटर करता है मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल, उसमें मेरे आने का तरीका. अब अगर मैं एक वीडियो में आऊं और बोलूं कि एक्चुअली मैं दो दिन से इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा था कि मेरे दोस्त को कोई सीरियस बीमारी हो गई है गाइस, और मैं इसलिए अब चाहता हूं मैं अपना टाइम उसको दूं, या मैं उसके साथ कहीं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, या मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, या उसके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, और दूसरी तरह हेलो गाइस ये देखो टकलू ये मेरा दोस्त है इसको कैंसर हो गया इसकी कीमो करवा के लाए, फर्क है दोनों चीजों में. सो सेम रूही, या तो आप उसका टाइटल डाल सकते थे व्हाट आई ईट इन अ डे, दैट्स इट. उसके अंदर आप बता देते कि आज मेरे पापा का श्राद्ध है, आज एक स्पेशल डे है, हम वहां पे ऐसे खाते हैं, वहां पे हम पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. या फिर आप डायरेक्ट माय फादर श्राद्ध वाला व्लॉग डाल सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है, टाइटल उस तरह रख देते. बट आपने दोनों तरीके से क्लिकबेट करने की कोशिश की जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. उसके बाद चलो टाइटल छोड़ दो, आपकी वीडियो शुरू होती हेलो बेस्टीज. आई नो ये नॉनसेंस आपका सिग्नेचर है वीडियो में, बट अगर आपके लिए वो वीडियो बहुत इमोशनल है, हार्ट के बहुत क्लोज है, आपके लिए वो स्पेशल ओकेशन है जैसे कि आप रिप्लाई वीडियो में बोल रहे हो, तो फिर उस स्पेशल ओकेशन पे आप भी थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन कर लो कि हाँ अगर आप सही जगह पे सही तरीके से एक्ट नहीं करोगे तो लोग तो उसको फिर मजाक में लेंगे. रूही मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया सैडली वैसी नहीं है जैसी हम दुनिया को चाहते हैं अपने लिए, एंड इट इज वॉट इट इज. दिस इज द एग्जैक्ट थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Do I care? No, I don't. At least मैं वो क्या नाम उसका थू क्या नाम whatever थू थू केश उसे बहुत अच्छी एक्टिंग करती है. मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आई स्वेयर. फनी कर दिया दीदी को लगा उन्होंने फनी कर दिया. उसके बाद भाई लोग बोलते हैं कि हम लड़कियों को फनी नहीं मानते, ये तो तुम्हारा ह्यूमर है. ये तो तुम्हारा ह्यूमर है. थगेश को थुकेश बोल दिया भाई, अदनान के लेवल की कॉमेडी हो गई. एक बार रियलाइज कर ले कि तू कहाँ पे है, थगेश कहाँ पे है. इंटरेस्ट भी तेरे से अच्छी एक्टिंग करता है वो, इतनी ओवर एक्टिंग भाई. और उसके बाद बंदी फ्लैक्स कर रही है, बंदी ने ओवर एक्टिंग करके सोचा कि फाड़ दी भाई मैंने तो, मैंने माइंड फक कर दी लोगों को एक्टिंग से. आप मुंबई नहीं आ सकते. चैटिंग करती हूँ, राइट बेस्टीज. ओके बेस्टीज. सो एक बार पता नहीं आ रही, जब भी बेस्टी बोलती है ना मेरे को डायरेक्ट ऐसा हिट लग. मैं अभी उसकी वीडियो देख रहा हूँ और वो वीडियो के थ्रू बात कर रही है ओके बेस्टीज, तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो मेरे को बोल रही है. मेरे को नहीं बनना इसका बेस्टी ब्रो, सॉरी टू से. एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका रीजन तुम्हें खुद को क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक जाते जाते. ओके बेस्टीज, सो आई एम गोना टॉक अबाउट माय हेट एंड माय रोस्टर्स फाइनली, बिकॉज इट्स अ हार्ड टाइम यू नो. पहले इन लोगों ने मेरे पर रोस्ट बनाया, मैं वो बिकॉज मैं हेट को इतना अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, तो को इतना अप्रिशिएट नहीं करती हूँ. सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोली दीदी. हेट को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती इसलिए उनके कॉमेंट सेक्शन बंद है. कम ऑन मैन, तू अपने इंस्टाग्राम पे लिटरली खुलेआम मिसएंड्री थिंकिंग पे रील्स बनाती है, तू लड़कों के लिए हेट स्प्रेड करती है लिटरली. लाइक तू स्प्रेड करती है हेट, डायरेक्टली स्प्रेड करती है, इनडायरेक्टली भी नहीं. ठीक है बहन, ऑलवेज रिमेम्बर तुझे लड़कों की जरूरत नहीं है, लड़कों को तेरी जरूरत है. मैं हेट को इतना अप्रिशिएट नहीं करती हूँ. गर्ल्स स्टॉप सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं, लड़के कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्ते लॉयल होते हैं और लड़के लॉयल नहीं होते हैं और कुत्ते क्यूट भी होते हैं और लड़के तो सबसे पहले अपनी रील्स डिलीट कर दे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दे, दैट वुड बी बेटर. बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट माय फादर, इट्स नॉट गुड. मुझे चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि वो पर्सनल जा रहे हैं मेरे ऊपर. बोला ठीक है फाइन, तुमने मेरे मुंह से जितना पैसे कमाना है कमा लिया, गुड, दैट वाज फेवर फ्रॉम माय साइड. ओके, बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट माय फादर.
So, I'm not gonna shut up. No one is asking you to, okay? सबसे पहले तू अपने पापा की श्राद्ध को उसको एज अ कॉन्टेंट पुट आउट कर रही है, उससे तू लिटरली व्यूज लेना चाहती है। द थिंग इज तूने अपने ऊपर खुद लेके आया है, बींग वेरी ब्लंट रूही, तूने अपने ऊपर खुद लेके आया है, तूने अपने पापा की श्राद्ध को एज अ कॉन्टेंट पुट आउट किया है पब्लिक में। सी, जब तक कोई भी चीज हो, डजंट मैटर तो तेरे पापा का श्राद्ध है, तेरे लिए कितनी इमोशनल शिट क्यों ना, अगर तू खुद उसको एज अ कॉन्टेंट निकालेगी पब्लिकली, तो जितने लोग पब्लिक में हैं उनके पास राइट है कि वो अपने ओपिनियन दे सकते हैं, वो उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। यू कांट स्टॉप दिस शिट, यू कांट स्टॉप दिस शिट। गुड, दैट वाज फेवर फ्रॉम माय साइड। ओके यार, एक तो भाई रूही के बोलने का तरीका मेरे को भाई छिड़ो रही, भाई मैं नहीं देख पाऊंगा यार। जस्ट इमेजिन मैं ऐसे अपनी वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय डैम ब्लेसिंग्स बेबी, वू, वेलकम बैक माय डैम ब्लेसिंग्स, आई एम ब्लेस एंड हाय बेस्टी। आई विल स्टार्ट विद दूसरों के टुकड़ों में पलेगा, कब तक भाई, डू समथिंग योर ओन, अपना खुद का बना लेना, तू अपना खुद का कर, कि कब तक पूरी जिंदगी तू क्या दूसरों के टुकड़ों में पलेगा, जो अभी तक करता हुआ आया है दूसरों के कॉन्टेंट में अपना कॉन्टेंट बना के। वैसे एक बात बता दूं, अगर मैं, हम जैसे लोग कंटेंट ना बनाए ना, तो तेरा तो चलेगा भी नहीं भाई, तू क्या बनाएगा फिर। हम जैसे लोग कंटेंट ना बनाए ना, तो तेरा तो चलेगा भी नहीं भाई, तू क्या बनाएगा फिर। थिंक साइकोलॉजिकली, द फैक्ट इज कि रूही ने बोला है कि अगर हम जैसे लोग वीडियो नहीं बनाएंगे तो तुम्हारा कंटेंट कैसे चलेगा। दिस मीन्स कि रूही को पता है कि जो वो कंटेंट बनाती है वो रोस्ट होने लायक है। लाइक क्रोनोलॉजी समझो, रोस्ट किसको किया जाता है, जो रोस्टिंग मटेरियल रहता है, राइट? एंड रूही नोस की वो एक रोस्टिंग मटेरियल है, इसलिए लोग उसको रोस्ट करते हैं। हम जैसे लोग कंटेंट ना बनाए ना, तो तेरा तो चलेगा भी नहीं भाई, तू क्या बनाएगा फिर। एंड ऑब्वियसली ही इज जस्ट, व्हाई यू सो ऑब्सेस्ड विद मी, क्या देख रहा हूँ मैं और क्यों मैं जीवन में ऐसा, मैंने क्या, मेरे से भूल हो गई भगवान कि मेरे को ये दर्शन हुई। सर मेरा कोई मैटर नहीं है, बट इसने मेरी पर्सनल लाइफ को जो लेकर आया है, द थंबनेल ही यूज्ड, इसने जो मेरे फादर का थंबनेल यूज किया है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मतलब ये बना हुआ है कि इस पे सारी अच्छी क्वालिटी है, हाँ, ये नूर का परा, हूर का परा है, जो सबको जज कर सकता है, जो सबके बारे में गलत गलत बातें बोल सकता है। जितनी वीडियोज एटलीस्ट मैंने देखी है, किसी रोस्टर ने उसके पापा की डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सबने रोही को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया, लाइक लिटरली किसी ने हेट नहीं दिया, सबने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिए हैं। ये लड़की वो भी नहीं ले पा रही, आई जस्ट डोंट नो ब्रो, लाइक हाउ द फक शी विल ग्रो एज अ ह्यूमन। या सिर्फ तेरे को सिर्फ व्यूज और ये सब्सक्राइबर्स और पैसे ही दिखते हैं, कि दिख नहीं रहा कि किसी के फादर जो जिंदा नहीं है उसके लिए तुम ऐसी चीजें कर रहे हो, शर्म है। एग्जैक्टली मैं तेको सेम चीज, यू नो व्हाट रूही, तू खुद की चीज खुद सुन, मैं तेको ये सेम चीज बोल रहा हूँ, सुन। या सिर्फ तेको सिर्फ व्यूज और ये सब्सक्राइबर्स और पैसे ही दिखते हैं, कि दिख नहीं रहा कि किसी के फादर जो जिंदा नहीं है उसके लिए तुम ऐसी चीजें कर रहे हो, शर्म है, शर्म है, समझी। Hi bestie, so आज की वीडियो what I eat in a day, but ये थोड़ा सा अलग है because आज मेरे पापा का श्राद्ध है। Generally, I don't watch his videos and I don't want to because I don't appreciate hate जो कि ये लोग फैलाते हैं, जो कि ये लोग हेट दूसरों के बारे में हेट फैलाते हैं, जो इनके फॉलोअर्स आके जो मुझे ये DM कर रहे हैं, इनकी जो ऑडियंस है, जो क्योंकि ये तो आके बस अपने ऑनलाइन आके झार दूसरों को गंदा बोल के कट लेते हैं, इनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आगे वो किस मेंटली प्रेशर से जा रहा है, उसको आगे क्या फेस करना पड़ेगा, लोग उसको कैसे बॉडी शेम, स्लट शेम करेंगे, he doesn't even care, like, so first of all, स्टॉप पोर्ट्रेइंग एवरीथिंग की सारे रोस्टर्स आके स्पेशली बोलते होंगे उनके ऑडियंस को कि जाओ जाके हेट स्प्रेड करो। इनफैक्ट आई हैव सीन रोस्टर्स लाइक लक्ष्य, डजंट मैटर वो किस पे वीडियो बना रहे हो, अपने हर वीडियो के एंड में बोलते हैं कि प्लीज इनको जाके हेट मत देना। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, किसी को कुछ हेट वेट देने की जरूरत नहीं है यार, नाच गाना चल रहा है इधर, ठीक है यार, कोई भी जाके हेट मत देना। लेकिन स्टिल
ऑडियंस ना तेरे कंट्रोल में है, ना मेरे कंट्रोल में है, ना किसी के भी कंट्रोल में है, ठीक है? उन्हें जो करना है एट द एंड वो करेंगे, एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तू उनकी उनकी चीजों को खुद पे इफेक्ट ना होने दे। तेरी मेंटल हेल्थ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इशू, आई एग्री। बट लोग बोल बोल के थक गए कि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक प्लेस है जहाँ पे तुम रह सकते हो, ठीक है? इट इज द मोस्ट टॉक्सिक प्लेस टू बी इन। बेसिकली जिस दिन तुम लोग ये डिसाइड करते हो ना, मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगी, मैं इंस्टा पे रील्स अपलोड करूंगी, मैं पब्लिकली कंटेंट निकालूंगी, बी रेडी कि तुम्हें लव के साथ हेट भी मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, लेकिन वो भी तुम्हें हेट जैसा ही लगता है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है? ओके, सो लेट्स कम टू द बॉडी शेमिंग एंड स्लट शेमिंग पॉइंट। तो मैंने रोही राय का इंस्टाग्राम देखा एंड आई फाउंड कि कुछ बहुत बुरे बुरे कॉमेंट्स हैं, एंड यू नो देर आर पीपल जो रोही को बॉडी शेम कर रहे हैं, स्लट शेम कर रहे हैं, उसके ब्रेस्ट साइज पे कॉमेंट्स कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जिस चीज में मैं रोही राय के सपोर्ट में हूँ। लाइक ऑफकोर्स जैसी भी लड़की हो, जैसा भी लड़का हो, यू कांट स्लट शेम एनीवन, यू कांट बॉडी शेम एनीवन, यू डोंट हैव इतना राइट किसी के भी ऊपर, लाइक किसी के भी ऊपर, तुम किसी की भी ऑडियंस हो, डजंट मैटर। सो आई हाईली रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट मेरी ऑडियंस में से अगर कोई ऐसा कर रहा है, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रस्ट माई ऑडियंस, मेरी ऑडियंस इतनी इलिटरेट नहीं है, लेकिन मेरे बोलने पर अगर एक दो लोग भी इन्फ्लुएंस होके करने की सोच रहे हैं और रुक जाते हैं, या फिर कर रहे थे और अब नहीं करते हैं, सो आई विल बी ग्रेटफुल, बट लाइक आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जस्ट डोंट डू दिस शिट, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बाउंड्री, डोंट डू इट। बट एट द सेम पॉइंट रोही, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मैं बस एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ एंड मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ पब्लिकली, बिकॉज मेरे पास भी राइट है अपने ओपिनियंस रखने का, राइट? द थिंग इज कि जो भी तेको बुरे बुरे कॉमेंट्स आते हैं, ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है, बट आई एम बींग ऑनेस्ट, इट्स अ सिंपल फैक्ट, यू विल गेट आउट वॉट यू पुट इन, ओके? एंड इंस्टाग्राम पे जिस टाइप की तू रील्स डालती है, जिस टाइप के यू नो तू फोटोज अपलोड करती है, यू ऑल्सो नो वॉट यू आर डूइंग, एंड आई एम नॉट सेइंग, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग दिस शिट वेरी क्लियर, देखो जैसे कपड़े पहनने पहन, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, आई एम नो वन टू कंट्रोल यू, ठीक है? लाइक वो तेरी खुद की चॉइस है, बट आई एम जस्ट हेयर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग, ठीक है, जो तेरे इंटेलिजेंस के बाहर है, बट फिर भी आई जस्ट डोंट नो, आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज आई एम अ गुड ह्यूमन। इंस्टाग्राम पे ना तू खुद वैसी ऑडियंस ना अट्रैक्ट कर रही है, तू इंस्टाग्राम पे लस्टी ऑडियंस अट्रैक्ट कर रही है, इफ़ यू आर अपलोडिंग रिवीलिंग पिक्चर्स, रिवीलिंग वीडियोज, हद से ज़्यादा रिवीलिंग, ठीक है? स्टिल नो वन इज सेइंग यू कि ये मत पहन, वो मत पहन, जो करना है कर, लेकिन इट्स जस्ट लाइक आई एम सेइंग कि यू कैन डू रूही वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फेस करने के लिए रेडी भी रहे, ठीक है? यू कांट बी लाइक कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगी लेकिन उसके बाद मेरे को जेल भी ना हो, ठीक है? यू कांट डू दिस शिट। तुम ना खुद अपने आसपास एक टॉक्सिक एनवायरमेंट, एक अनसेफ एनवायरमेंट, एक हार्मफुल एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो ऐसी चीजें करके। व्हाट शी इज सेइंग ऑन अ YouTube वीडियो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, तुझे क्या पता मैं क्या करती हूँ? तूने मेरी वीडियो देखी ढंग से? पूरी वीडियो देख, क्या करती हूँ मैं अपने घर वालों के लिए, तुम्हारी तरह नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आओ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, रूही राय अपने घर वालों के लिए क्या करती है ये तो देखना पड़ेगा, आओ एक बार इसका चैनल देखते हैं। मोमोज एंड चाउमीन पार्टी विद राय फैम, रूही राय अपने घर वालों को मोमोज चाइनीज खिलाती यार, तुम कैसे बोल रहे हो कि वो कुछ नहीं करती? वो अपने घर वालों को मोमोज चाउमीन खिला रही है, पागल है? वो खिला रही है मोमोज, गुड, ओके, नेक्स्ट। नो इन्विटेशन अटेंडिंग स्ट्रेंजर्स वेडिंग, चिंदीगिरी पे उतर आई वो अपने घर वालों का राशन बचाने के लिए, सोचो इससे अच्छी लड़की कहाँ होगी, वो स्ट्रेंजर्स की वेडिंग पे जाके खाना खाती ताकि उसके घर में घर वालों का राशन बचे महीने का, क्योंकि सारे महीने का तो यही खा लेती होगी ना, ठीक है? सॉरी जोक था। गोवा व्लॉग विथ फुल ड्रामा, पुलिस क्वार्टर, पुलिस भाई शिट, कितना नाम रोशन करी, पुलिस ने पकड़ ली, इससे ज्यादा कोई नाम रोशन क्या कर सकता है? एक बात बताओ, जितनी बड़ी ऑडियंस देख रही है, तुमको कभी पुलिस ने पकड़ा है? नहीं पकड़ा ना साले, कोई शब्द नहीं आ रहा मेरे मुंह में। माय मॉम रिएक्ट्स ऑन माय बिकनी एंड आउटफिट इन गोवा, मैं समझ गया रोई रहा अपने घर वालों को क्या कर रही है, मिल्क। या एट द एंड पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है, तो कुछ चीज़ पर्सनल लाइफ के अंदर आती है, एंड शरारत का चल तूने
व्लॉग बनाया पर उसको जिस तरीके से तूने पुट आउट किया है, ठीक है, जिस तरीके से तूने निकाला है वो बहुत गलत था। एंड फर्स्ट प्लेस पे तेरी जगह मैं होता या फिर कोई भी होता तो वो शरारत का व्लॉग तो पहली फर्स्ट प्लेस पे बनाता ही नहीं। लाइक वो एक ऐसा टाइम है जब तुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए विदाउट कैमरा। बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग के लिए कांट डू इट, यू डोंट नीड टू डू इट। आई स्टैंड विथ रोही राय उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। इतना ज़्यादा हेट को अपने ऊपर मत आने दे एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से कुछ सीख के जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट टू यू, होप यू विल ग्रो, होप यू विल इम्प्रूव। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड। हम रोही राय से क्या, रोही राय मेरे को नाम बोलते क्यों नहीं बनता है सौरत का, वट एवर, हम इस लड़की से क्या सीखते हैं। यू विल गेट आउट वॉच यू पोटेन, आज का पूरी वीडियो का बेस ही यही था, यू विल गेट आउट वॉच यू पोटेन। सो एवरी वन आउट देयर, बेटर डोंट डू शिट एंड इफ यू आर डूइंग इट बी रेडी जो भी रिटर्न में मिलेगा उसके लिए। एंड या वन मोर लास्ट छोटू सा अपडेट कि मैंने बहुत टाइम से म्यूजिक नहीं निकाला है, नो, सो इन जनवरी आई एम गोइंग टू अपलोड अ सॉन्ग, आई एम गोइंग टू रिलीज अ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग विल बी फायर, ऐसे बदन वो हो जाएगा। तो सो या मैंने बहुत टाइम से म्यूजिक नहीं निकाला था तो आई थॉट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपडेट कर दूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो जनवरी एंड आई प्रॉमिस इतना वेट वर्थ वाइल होगा, लाइक आई प्रॉमिस। जब तक के लिए लेट मी किस यू सुन लो यार, थोड़ा सा जाके स्ट्रीम कर, कॉमेंट करो, लाइक करो, अपने स्टोरीज पे शेयर करो, अपने गर्लफ्रेंड्स को भेजो यार, सिंपल है यार। इतना भाई ने इतना प्यारा गाना बनाया, जाके अपने पार्टनर के साथ देखो ना, और अगर सिंगल हो तो भी सुनो और फिर इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा पार्टनर होता तो तुम क्या करते। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल गाइस सी यू इन अनदर वन, टिल देन लेट मी किस यू, सुनते रहो लूप पे। एंड हाँ, टू एवरीवन आउट देयर अ मैरी मैरी हैप्पी क्रिसमस, होप तुम्हारी इस साल की नेक्स्ट साल की सारी विशेष सेंटा पूरी कर दे, एंड सेंटा पूरी नहीं करेगा तो खुद वर्क करके पूरी कर लेना। लव यू, फील बेस्ट। बस इतनी।